Assalamu alaikum to everyone who is watching this video. This is Waqar from Cameron International College at Talagang. Classroom training is video lecture mein tamam student ko welcome karta hun. I have been teaching English at Cameron College. So student, isse pehle ke I move towards my lecture, sabse important baat, student aapne video ko skip nahi karna, aakhir tak is video lecture ko dekhna hai aur isko note karna hai apni notebooks ke upar aur iski practice karna hai. ये आपके लिए बिल्कुल एक नया जो है वो सिस्टम लॉन्च किया गया ऑनलाइन क्लासेस का. आपने बोर नहीं होना, आपने इसको एंजॉय करना है और इससे लर्न करना है, इससे सीखना है. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स माय टॉपिक. आज का जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए, जब भी एक बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना शुरू करता है तो स्टार्ट में उसे ए बी सी से लेकर जी तक पढ़ाया जाता है. अब बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट आपने इस बात पर तवज्जो करनी है कि आखिर ये ए से लेके जी तक ये जितनी चीजें हमें बचपन में पढ़ाई जाती हैं ये है क्या. अब जरा गौर करें, जरा लुक एट द व्हाइट बोर्ड. तो यहां पर एक चीज लिखी है लेटर्स. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ए से लेके जी तक जो कुछ आप बचपन से प्रेप या नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हैं तो वो जो आपको पढ़ाया जाता है ए से लेके जी तक वो क्या कहलाता है, वो लेटर्स कहलाता है. और इसको हम उर्दू के अंदर हरूफ का नाम देते हैं. अगर आप गौर करें तो उर्दू लैंग्वेज के अंदर इनको हरूफ के नाम से जाना जाता है. हरूफ निकला है हर्फ से, हर्फ की जमा क्या है, हरूफ है. और हम इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम लेटर्स कहते हैं. और स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो लेक्चर है ये तमाम लेवल के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, बट पर्टिकुलरली ये सिक्स क्लास से लेके और जो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और उनके लिए बहुत ज्यादा अहम है. वो सारे स्टूडेंट इस पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे और बहुत ज्यादा इस पे फोकस करेंगे. दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आता हूं. तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देयर आर 26 लेटर्स. ये बात आपने याद रखनी है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल कितने लेटर है, 26 लेटर है. एंड दे आर क्लासिफाइड, दे आर डिवाइड, और इनको तकसीम किया जाता है. यानी टोटल लेटर है 26 और इनको दो कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है. एक जो कैटेगरी है वो कहलाती है कंसोनेंट. क्या कहलाती है, कंसोनेंट. और दूसरी जो कैटेगरी है आप पहले पढ़ चुके हैं उसको हम कहते हैं वॉवल्स. ये वॉवल नहीं है, ये वॉवल्स है. इसकी जो करेक्ट प्रोनंसिएशन है वो क्या है, वॉवल्स. तो याद रखिए कि 26 जो है यानी 26 लेटर्स को हम फिर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं. यानी दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. जो पहली कैटेगरी है वो क्या कहलाती है, कंसोनेंट. और वो कितने हैं, 21. स्टूडेंट याद रखिए यानी 26 ए से लेके जी तक जो 21 है वो क्या कहलाते हैं, कंसोनेंट कहलाते हैं. और जो पीछे पांच बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वॉवल्स कहलाते हैं. जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ए ई आई ओ यू ये जो पांच है ये क्या कहलाते हैं, वॉवल्स कहलाते हैं. अब प्रॉब्लम ये कि अक्सर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि वो सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, यानी अल्फाज की अदायगी के अंदर उनको प्रॉब्लम होती है. अब ये प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा क्यों आती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट को ये है कि ये लेटर जो है 26 यानी दे आर 26 इन नंबर, यानी नंबर के अंदर ये लेटर कितने हैं, 26, बट दे प्रोड्यूस 44 साउंड्स. असल प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है, क्योंकि लेटर कितने हैं, 26, बट दे प्रोड्यूस 44 साउंड, लेकिन वो 44 आवाजें देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर क्या है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको सही पता नहीं लगता कि हमने कैसे लफ्जों को अटक करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है. लेकिन ये अभी आपके लेवल का टॉपिक नहीं है कि इनके साउंड्स के हवाले से बात की जाए. फर्दर जब आप अपर हाई क्लासेस के अंदर जाएंगे तो इसको मजीद अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा. अभी हम यहां पर ही रहते हैं. तो फोकस किस पर रखना है, ये बिल्कुल बेसिक्स है. ये बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा था कि तमाम सिक्स से लेके नाइन तक जितने स्टूडेंट हैं उन सब को इसका क्या हो, फाइल. यानी इंग्लिश लैंग्वेज का अक्सर आप आगाज ही एबीसी से करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, लेटर. और देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज और दे आर डिवाइड इन टू कैटेगरीज. और उनको दो हिस्सों में क्या किया जाता है, स्टूडेंट, बांटा जाता है, तकसीम किया जाता है. 21 कंसोनेंट कहलाते हैं और पांच क्या कहलाते हैं, यानी फाइव क्या कहलाते हैं, वॉवल्स कहलाते हैं. और ये
जो आवाजें हैं वो कितनी है, यानी वो है 44। अब स्टूडेंट देखिए, आप गौर करें, आपके सामने चाहे कोई ऐसे लिखा हो, ऐसे नहीं जिसे आप उर्दू के अंदर मजमून के नाम से जानते हैं, या आपके सामने कोई पैसेज लिखा हो, कोई पैराग्राफ, या आपके सामने कोई एप्लीकेशन लिखी हो, तो स्टूडेंट एक बात को याद रखें, ये जो मैंने तीन आपको एग्जांपल दिए हैं, इससे ज्यादा भी और चीजें हो सकती है, लेकिन मैंने जस्ट आपको तीन एग्जांपल दिए हैं। आपके सामने ऐसे लिखा हो, आपके सामने कोई पैसेज लिखा हो, या आपके सामने कोई एप्लीकेशन लिखी हो, यानी मजमून हो, पैराग्राफ हो, या कोई दरखास्त हो, तो याद रखिएगा उसके अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है वो वर्ड का किया जाता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये वर्ड क्या है, देखिए ये हर्फ है, अब हर्फ से मिलकर क्या बनता है, लफ्ज बनता है, यानी ये कैटेगरी अलग है, हर्फ और लफ्ज में फर्क होता है। ये जो ए बी सी सो ऑन जी तक है, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये हरूफ कहलाते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लेटर कहलाते हैं, बट जो लफ्ज है, जो वर्ड है, वो इससे हटके है। वो क्या है, अब जितने भी आपके ऐसे होंगे, जितने भी आपके पैसेज हैं, या जितने भी आप एप्लीकेशन पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, जो कुछ भी आप उसके हवाले से काम करते हैं, तो वो सारा का सारा किस सूरत में होता है, वो स्टूडेंट वर्ड्स की सूरत में होता है। वो किस सूरत में होता है, वर्ड्स की सूरत में होता है। तो याद रखिएगा, अब हमने ये जानना है कि आखिर ये वर्ड क्या है। हम बार बार सुनते रहते हैं लफ्ज लफ्ज वर्ड, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट नो अबाउट इट, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट इसके बारे में जानते नहीं। मैं कोशिश करूंगा आसान से आसान अल्फाज का चुनाव करूं, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो छोटे लेवल पे हैं, 6, 7, 8 और 9 तक, ताकि इसको अच्छी तरह से समझ सके। तो याद रखिएगा, जो वर्ड है इसकी हम जो तस्करा है कई बार करते हैं, स्टूडेंट से भी सुनते हैं, अपने टीचर से भी सुनते हैं, लेकिन आखिर हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये वर्ड है क्या, ये कौन सी बला है, ये कौन सी चीज आ गई, इसके बारे में हमें सही पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैं आज आपको वर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे आप उर्दू के अंदर लफ्ज के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए, अगर इसकी तारीख पे गौर करें तो यहां पे देखें, अ मीनिंगफुल लेटर, यहां पर बात क्या की थी, लेटर, और यहां पर फिर क्या बात आ गई है, लेटर मीनिंगफुल बामान। दो तरह के होते हैं, एक होते मिसाल के तौर पर रोटी छोटी, एक लफ्ज अक्सर आप सुनते हैं रोटी छोटी, अब ये जो रोटी है ना ये बामानी, लेकिन छोटी का कोई मानी नहीं। तो यहां पे वो वाला लेटर हमने लेना है जिसका कोई ना कोई मतलब निकलता हो, अ मीनिंगफुल लेटर, यानी अ सिंगल लेटर, एक सिंगल लेटर भी एक वर्ड हो सकता है, या अ ग्रुप ऑफ लेटर, या लफ्जों का सॉरी हर्फों का मजमूआ, यानी यहां पे ग्रुप बना दिए गए, यानी मुख्तलिफ लेटर्स को आपस में क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया। तो यहां पर अगर आप तारीख पे गौर करें, अ मीनिंगफुल लेटर, एक बामानी हर्फ, और अ ग्रुप ऑफ लेटर, या हर्फों का या हरूफ का कंबिनेशन, यानी उनको आपस में क्या कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। स्टूडेंट आपने गौर किया कि जब हम लेटर्स को कौन से लेटर, जो बामानी, ऐसे लेटर यानी अ मीनिंगफुल लेटर, एक सिंगल लेटर भी वर्ड हो सकता है, वो मैं आगे आपको एग्जांपल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, अ मीनिंगफुल लेटर, एक बामानी, यानी यहां पे एक सिंगल लेटर भी वर्ड हो सकता है, या लेटर का जो होना चाहिए कंबिनेशन होना चाहिए, तो वो स्टूडेंट क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। अब स्टूडेंट यहां पे गौर करें, ये जो आपके सामने एग्जांपल इस बॉक्स के अंदर लिखी हुई है, तो ये बड़ी दिलचस्प एग्जांपल है। यहां पे अगर आप गौर करें, ये आपके सामने ये आई लिखा हुआ है, जिसको आप उर्दू के अंदर मैं कहते हैं। अब जरा गौर करें कि यहां पे एक सिंगल लेटर, अब ऊपर आपने गौर किया अ मीनिंगफुल लेटर, यानी एक लेटर भी वर्ड बन सकता है अगर उसके अंदर कोई ना कोई मानी मौजूद हो। अब आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है, तो यहां पे एट द सेम टाइम ये लेटर भी है और एट द सेम टाइम ये वर्ड भी है। तो आपने देखा कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये एक वर्ड लिखा हुआ है। अब यहां पे अगर वर्ड है ये जस्ट एक था, और यहां पे अगर आप गौर करें तो यहां पे ए और एम को मिला के एक
वर्ड बनाया गया, यानी यहां पर दूसरी वाली बात बात फिट हो गई है। अब ग्रुप ऑफ लेटर, तो यहां पे क्या है, अब ग्रुप ऑफ लेटर, और यहां पे क्या है, सिर्फ लेटर है, लेकिन दोनों क्या है, मीनिंगफुल है। एम का मतलब भी उर्दू के अंदर ही के मानों में आता है। अब यहां पे फिर देखें वही बात आ गई, यहां पे भी एक सिंगल लेटर और इसका भी मान मौजूद है, एक के मानों में आप ए को लेते हैं, तो यहां पे फिर एक सिंगल लेटर एट द सेम टाइम, ये लेटर भी है और एट द सेम टाइम ये वर्ड भी है। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट, ये आपके सामने एक दो तीन चार पांच और सात, ये जो आपका वर्ड है ये कंबाइन कर रहा है, यानी ये कंसिस्ट कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन है सात लेटर्स का। तो आपने गौर किया, जो तारीफ थी वो यहां पे पूरी की पूरी समझ आ रही है कि एक सिंगल लेटर जो कि बामानी हो, अब मीनिंगफुल यानी जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, या ग्रुप ऑफ जो लेटर होता है वो स्टूडेंट क्या कहलाता है, वो आपका वर्ड कहलाता है। तो यहां तक बात स्टूडेंट आपको क्लियर हो गई, अब हम फर्दर इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात हमने क्लास में शुरू की, जरा इसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात शुरू की है लेटर्स, यानी पहले हमने डिस्कस किया लेटर, लेटर दो हिस्सों में तकसीम किए, एक कंसोनेंट बने और एक वॉवल्स बने। फिर इनके हमने साउंड पे डिस्कस की, वो कितनी थी 44, और फिर मैंने कहा ऐसे हो वैसे हो एप्लीकेशन हो सब के अंदर क्या इस्तेमाल किए जाते हैं वर्ड, फिर हमने डिटेल के साथ इसको पढ़ा वर्ड को पढ़ा। अब स्टूडेंट जरा गौर करें, अगर आप उन्हीं ऐसे के ऊपर उसी मजमून या पैसेज इंग्लिश के अंदर इंग्लिश राइटिंग पीस के अंदर लिखा हुआ है या एप्लीकेशन लिखी हुई है, अगर उसमें अगर आप स्टूडेंट गौर करें तो वहां पे जुमले लिखे होते हैं, यानी सेंटेंसेस लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं, सेंटेंसेस, जिसे आप लाइन भी कहते हैं, समटाइम्स उसको आप क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, सेंटेंस। अब हमने क्या देखना है कि वर्ड से आगे क्या बनने जा रही है, देखिए पूरी चैन बन गई। पहले लेटर थे, लेटर से मिले वर्ड बन गया, अब देखिए वर्ड आगे क्या ऐसा करते हैं जो वो क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तो अब हम यहां पे अब हम फोकस करेंगे कि जुमला क्या होता है या सेंटेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट यहां पर अगर आप गौर करें, अगर व्हाइट बोर्ड पे आप कंसंट्रेशन के साथ फोकस के साथ यहां पे गौर करें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहां पे गौर करें, यहां पे ये बात की गई है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी लफ्जों का मजमूआ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड यानी सेंटेंस के अंदर अगर गौर किया जाए तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। नंबर वन क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, और स्टूडेंट सिर्फ अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ना वो सेंटेंस नहीं बनता, उसके अंदर जो दूसरी चीज जरूरी है वो क्या है, कंप्लीट सेंस। ये क्या बात है, कंप्लीट सेंस का मतलब है कि स्टूडेंट आपको वो मुकम्मल तौर पे क्या है समझ आता है। मैं आपको उर्दू के एक आसान से एग्जांपल देता हूं, वो खाना खा रहा है, आपको समझ आ गया, मुझे भी समझ आ गया, कोई भी इसको सुनेगा तो वो क्या है इसको समझ लेगा, अगर ये लिखा हुआ तो कोई भी इसको पढ़ेगा तो समझ लेगा। अब मैं इसकी जब सेंस को चेंज कर लेता हूं, वो खाना खा रहा है, मैं सेंस चेंज कर लेता हूं, खाना खा वो रहा। अब स्टूडेंट ये समझ आ रहा है, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि इसका सेंस बदल गया, ग्रुप जरूर है इसके अंदर भी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये सेंस क्लियर नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस बनने के लिए उसकी दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, नंबर वन क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एंड नंबर टू क्या है, कंप्लीट सेंस, यानी लफ्जों का एक ऐसा मजमूआ जो मुकम्मल तौर पे क्या है आप पिक कर लो, आपको क्लियर हो जाए, आपको समझ हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो यहां पर अगर आप इसकी डेफिनेशन पे गौर करें तो सेम वही बात की गई है, स्टूडेंट देखिए यहां पर गौर करें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी लफ्जों का ऐसा मजमूआ विच का हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर जो के मामले में, यहां पे वैसे आप विच की जगह दैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसको भी जो के मानों में या के मानों में लिया जा सकता है। तो गौर करें स्टूडेंट यहां पे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड यानी लफ्जों का ऐसा मजमूआ विच जो मेक्स यानी बनाता है, यानी बिल्कुल आपको पता चल जाता है
सेंटेंस वो एक फिकरा या एक जुमला कहलाता है। तो स्टूडेंट आपने गौर किया है कि सेंटेंस कैसे बनता है, एक तो उसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड का होना जरूरी है और दूसरे उसके अंदर क्या होनी चाहिए कि मुकम्मल तौर पे समझ आ रहा है, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड लफ्जों का क्या समझूंगा व्हिच मेक्स जो के बनाता है कंप्लीट सेंस, ये मुकम्मल तौर पे आपको समझ आ जाता है इस कार्ड वो कहलाता है अ सेंटेंस, एक फिकरा या एक जुमला कहलाता है। अब यहां पे स्टूडेंट अगर आप इसकी एग्जांपल पे गौर करें तो ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आपने इस एग्जांपल को सही तरीके से वर्क किया तो जो आपका नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 2 होना है उसके अंदर इसकी जो काइंड है आज जस्ट मैं उनके नाम यहां पे लिखूंगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर काइंड्स के ऊपर डिटेल से एग्जांपल के साथ हम बात करेंगे। यहां पर आप पहली काइंड देखें तो ये जो चार मैंने लिखे हैं ना सेंटेंसेस इन चारों से ये एक काइंड बन जाए मैं गारंटी से कह रहा हूं। अब जरा गौर करें, ही इज माय ब्रदर, ही इज माय, ये आपके सामने एक ग्रुप है यानी कि लफ्जों का मजमू है जिसे आप इसके अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें इज माय ब्रदर, वो मेरा भाई है, ही इज माय ब्रदर, वो मेरा भाई है। बात समझ आ गई, ये क्या बन गया सेंटेंस। वेयर डू यू लिव, अब देखिए एक और बात फॉर करना, यहां इसके आगे क्या आ रहा है लास्ट में, ये बात ये आपके सामने लास्ट पे फुल स्टॉप और यहां पे क्या क्वेश्चन मार्क है, जरा गौर करें यहां पे अगर देखें तो यहां पे फुल स्टॉप है और यहां पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क, यहां पे फिर देखें फुल स्टॉप और यहां पे अगर आप फिर गौर करें तो ये आपके लिए शायद नया निशान या अजीब सा निशान लग रहा है, उसे हम कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। स्टूडेंट जरा गौर करें, यहां पहली एग्जांपल के एंड पे फुल स्टॉप, दूसरी एग्जांपल के एंड पे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं या तुम कहां रहते। अच्छा ये याद रखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप हो या तुम हो दोनों की जो अंग्रेजी है जो इंग्लिश है वो जो है वो आप यू इस्तेमाल करोगे, वहां पे ये नहीं कि आपके लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और इस्तेमाल करेंगे, नहीं, जो नेटिव स्पीकर्स हैं जिन्होंने इस जबान को बनाया है जो जिनकी ये जबान है तो वो यू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, यू वर्ड इस्तेमाल करते हैं चाहे वो आप हो चाहे वो तुम हो। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं या तुम कहां रहते हो। नेक्स्ट देखिए रिस्पेक्ट द पुअर, रिस्पेक्ट द पुअर यानी गरीबों का एहतराम करो या गरीबों की इज्जत करो। थर्ड देखिए ये थोड़ा सा अजीब सा इसका सेंस देखिए बड़ा अजीब होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी यहां पे जुमला थोड़ा सा जोर लेके बोला जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं यहां पे जो एंड पे लगा हुआ है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। स्टूडेंट यहां पे आपको बात समझ आ गई, चार की चार क्या है ये सेंटेंस की एग्जांपल्स है, यानी he is my brother, वो मेरा भाई है, where do you live, आप कहां रहते हो या तुम कहां रहते हो, respect the poor यानी आप किसका एहतराम करो गरीबों का एहतराम करो, but a beautiful flower कितना खूबसूरत फूल है यानी यहां पे कितना का सेंस आएगा। तो ये जो नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं ये सारी आपको पॉइंट्स क्लियर करूंगा, आज के दिन के लिए जस्ट मैं आपको सिर्फ इसकी जो टाइप्स या इसकी जो काइंड्स हैं ये जस्ट मैं उनके हवाले से स्टूडेंट आपको बताने जा रहा हूं कि टाइप्स कितनी है। स्टूडेंट यहां पे गौर करें टाइप्स या इसको आप काइंड्स भी कह सकते हैं ऑफ सेंटेंस। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर फोर मेजर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फर्दर तो डिस्कस किया जाएगा लेकिन अभी आपने उस चक्कर में नहीं पढ़ना कि आपने कहीं पढ़ा हुआ है कोई ज्यादा काइंड पढ़ लिया तो आप नहीं, अभी जो मेजर मैं बात कर रहा हूं वो क्या है कि अगर आप सेंटेंसेस की यानी जुमलों की काइंड्स देखें तो चार तरह की होती है और अगर यहां पर गौर करें देयर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस तो ये चारों के चारों सेंटेंसेस लिए हैं ना ये बड़े दिलचस्प है ये इसकी काइंड्स को क्या
तरीका है जिसपे हम कल डिटेल में बात करेंगे, और स्टूडेंट उसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डेक्लोरेटिव सेंटेंसेस का नाम दिया जाता है। ये अभी आप ना सोचें कि इसके अंदर क्या होता है, इसपे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिटेल से बात की जाएगी। और जो इसकी दूसरी कायदे वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे आप सवालिया फकरात के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको इंटरवेटिव प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसकी जो ज्यादातर करेक्ट जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो इसको इंट्रोगेटिव के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से पढ़ते हैं। नंबर 3 स्टूडेंट, जो नंबर 3 है इस पे बहुत डिटेल के साथ कल इंशाल्लाह बात करेंगे, वो है इंपेरेटिव। थर्ड पे क्या आ जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इसकी जो काइंड नंबर 4 है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये बात क्लियर होगी कि सेंटेंसेस की कितनी काइंड्स हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहली कौन सी है, डिक्लेरेटिव, और दूसरी कौन सी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और तीसरी कौन सी है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और फोर कौन सी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जितना कुछ भी आपको डिलीवर किया गया, ये जो लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको अपनी नोट जो बुक्स है उनके ऊपर आपने राइट करना है, लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आपका जो क्विज है ना, वो इसी पहले लेक्चर का जो क्विज है, वो इसी पहले लेक्चर से जो है वो बनाया जाएगा, उसको मैं प्रिपेयर करूंगा और फिर वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, जिसको आप हल करेंगे और उसके मार्क भी आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट आखिर पे जाते हुए पब्लिक मैसेज जो बहुत जरूरी है, आप देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बीमारी जिसका नाम कोरोना वायरस है वो फैल चुका है, एंड मैनी पीपल हैव बीन डाइड ड्यू टू दिस फैटल डिजीज। इस जो संगीन बीमारी की वजह से लोग क्या है मर रहे हैं। तो स्टूडेंट स्टे एट होम, आपने घर में रहना है, अवॉइड फ्रॉम गैदरिंग, कहीं किसी जगह पे कोई इकट्ठ है तो वहां पे आपने नहीं जाना, और 20 सेकंड तक अपने हाथ किसी भी अच्छी कंपनी के सैनिटाइजर या आपने किसी भी साबुन के साथ, अगर आपका साबुन है तो 20 सेकंड तक आपने अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोना है, ताकि खुद को भी इस जो मर्ज है मूजी मर्ज से महफूज रखें और अपने घर वालों को भी महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।